आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 1949 को हिटलर के नेतृत्व में जर्मन। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 6, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। भाई अभी हम हैं हमारे खेत में, तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह का व्यू दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से दिखता है। तो ये देख सकते हो, इधर मूंगफली बीजी हुई है, ये मोट है, इस साइड भी मोट है, और ये देख सकते हो सुबह सुबह मोर घूम रहे हैं। ये देख सकते हो उगता हुआ सूर्य कितना शानदार लग रहा है। आज है 1 सितंबर, और 1 सितंबर को क्या स्पेशल है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो गाइस अभी हम हो गए हैं रेडी नहा धो के, और अभी हमको जाना पड़ेगा अपने गांव कोई ज़रूरी काम के लिए। तो चलिए चलते हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गाइस ये है हमारा खेत, और पीछे देख पा रहे हो ये हमारा घर जिसमें अभी हम रह रहे हैं, और यही इस साइड दिख रहा है मोट जो गलन होता है। तो गाइस ये है असली मरुस्थल राजस्थान, जो लोग बोलते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता है। देख सकते हो आप ये जो सामने दिख रही है वो गाइस ये है मूंगफली। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं होता है, पानी की ऐसे ऐसे कमियां होती है। तो ये मूंगफली है, पानी के बिना होना असंभव है। तो आइए कभी घूमने राजस्थान, और फिर बताइए कि राजस्थान कैसा है कैसा नहीं। अभी राजस्थान में बहुत सारा परिवर्तन हो गया, हालांकि मरुस्थल है, आप देख पा रहे हो बालू बालू ही बालू है। तो गाइस आज इस ब्लॉग में आपको इतिहास के तथ्य के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 1949 को हिटलर के नेतृत्व में जर्मन की करीबन करीबन 15 लाख सैनिकों ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। इसकी जवाबदाही में पोलैंड की सेना सामने तो आई, लेकिन वो टिक नहीं पाई, पोलैंड की सेना को हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के चलते चलते अराउंड अक्टूबर तक जर्मन ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। इसके चलते जैसे ही जर्मन ने पोलैंड पे आक्रमण किया, उसके 2 दिन बाद जर्मन पर ब्रिटेन और फ्रांस ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद और भी देश धीरे धीरे इस युद्ध में आ गए, और ये युद्ध इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध बन गया, और इसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो गाइस ये बात सच है कि जो सच बोलने का प्रयत्न करता है उसको इतिहास के पन्नों में दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि आज 1 सितंबर है, और 1 सितंबर को ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जो अन्याय के सख्त विरोधी थे। इतिहास के पन्नों में जमी धूल के नीचे कई योद्धाओं के नाम दबे हुए हैं, जिनमें से एक नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव एक ऐसा शख्सियत था जो शोषण के विरुद्ध अपने आवाज़ बुलंद की, और उपेक्षितों को उनको हक दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ललई सिंह यादव के बारे में बात करें तो ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कानपुर के कठारा रेलवे स्टेशन जिंगल के रहने वाले गज्जू सिंह यादव और मूला देवी के घर 1 दिसंबर 1911 को जन्म हुआ।
उन्होंने 1926 में हिंदी भाषा में और 1928 में उर्दू भाषा में मिडिल क्लास की पढ़ाई की, और इस पढ़ाई की पूरी होने के बाद 1929 में उन्होंने वन विभाग में होमगार्ड की ड्यूटी ज्वाइन की। दलाई सिंह यादव गलत बात का तत्काल विरोध करते थे और इस वजह से वो अपने समक्ष सहकर्मियों के बीच तो लोकप्रिय हुए, लेकिन उन्होंने कई बार निलंबित होने का सामना करना पड़ा और यह सिलसिला आगे पुलिस की नौकरी में भी चलता रहा। उनकी यह आदत छूटी नहीं, क्योंकि गलत का विरोध करने में दलाई सिंह यादव कुमार था। सेवानिवृत्त होने के बाद धार्मिक और सामाजिक असमानता को लेकर जंग शुरू कर दी, और इसी संघर्ष को देखते हुए आरपीआई के नेता कनौजी लाल ने पार्टी में शामिल होने निमंत्रण दे दिया और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। और इसी दौरान ललई सिंह यादव का बौद्ध धर्म की ओर झुका हुआ। ललई सिंह यादव बौद्ध धर्म में जाने के इच्छुक थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह उसी धर्मगुरु से दीक्षा लेंगे जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। बाद में उन्होंने 21 जुलाई 1967 को कुशीनगर जाकर भदंत चंद्रमणि महास्थिवीर से दीक्षा लेके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 1964 और 65 में आरपीआई बिखरने लगी तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दी, पर वह उपेक्षित लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में जुटे रहे। इसी दौर में ब्राह्मणवाद के घोर विद्रोही के रूप में पेरियार ने दक्षिण भारत में आवाज़ बुलंद कर रखी। उनके द्वारा लिखित द रामायण ए टू रीडिंग की बहुत चर्चा हो रही है। यादव रामास्वामी पेरियार के संपर्क में आए और उन्होंने इच्छा जताई उनकी रामायण का हिंदी अनुवाद करने की इच्छा जताई। अनुमति मिलते ही उन्होंने सच्ची रामायण आम से हिंदी संस्करण निकाल दिया। रामायण के छपते ही हिंदू समुदाय खासकर ब्राह्मणों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। देश सरकार ने इस रामायण पर प्रतिबंध लगाते हुए उत्तर की प्रतिलिपियां जब्त करा। उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां ललई सिंह यादव की जीत हुई। उनकी सच्ची रामायण को फिर से प्रतिबंध मुक्त कर दिया। इस रामायण में तथाकथित राम को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। उन्हें शूद्रों का द्रोही करार देते हुए दक्षिण भारतीयों का दुश्मन भी बताया गया। तो ललई सिंह यादव हिंदू धर्म को उदार का धर्म बताते थे और बौद्ध धर्म को नगद का धर्म बताते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को नगद का धर्म बताकर काफ़ी चर्चित किया। तर्क देते हुए कहते थे कि विश्व के सभी देशों का कानून बौद्ध धर्म पर आधारित है, इसलिए सच्चा धर्म बौद्ध धर्म है। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आज अच्छे काम करो तो अगले जन्म में बेहतर परिणाम मिलेंगे, पर बौद्ध धर्म में काम करो और तत्काल अच्छे परिणाम ले लो। उनकी भाषा में जा हाथ देबे और वा हाथ लेबे। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति कानपुर के अशोका पुस्तकालय को दान दे दी। सामाजिक परिवर्तन के इस योद्धा का साथ